नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर ना चलाएं। बुलडोजर से पेशेवर माफिया, शातिर अपराधी और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर ही चलाएं। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे माफिया जिन्होंने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, बाकी किसी को परेशान ना किया जाए। खबर चंदौली से, जहां एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। चुनाव में मतदान करेंगे और 10 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। बता दें, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इस दौरान सभी मतदान पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी कराए गए हैं। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 की भाग जो 23 नंबर है, उसका निर्वाचन कल 9 अप्रैल को किया जनपद चंदौली में किया जाएगा। सभी हमारे जो ब्लॉक 9 मुख्यालय हैं उनको मतदाता केंद्र बनाया गया है। इसमें जो हमारे निर्वाचक हैं 1720, उसमें सांसद, विधायक, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों के सदस्य जो निर्वाचित हैं, इन सभी और नगर पंचायतों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त पुलिस बल की सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त कल जो निर्वाचन होगा उसमें सतत वीडियोग्राफी का भी आयोग, माननीय आयोग का निर्देश है, उसका भी अनुपालन किया जाएगा और शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रशासन की तैयारियां पूर्ण है। प्रदेश समेत रायबरेली में भी कल 9 अप्रैल को एमएलसी पद के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले में एक सीट के लिए 18 ब्लॉक पर एक एक केंद्र बनाए गए हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कल होने वाले चुनाव के लिए जिले भर में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की मीटिंग कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी की है। उधर प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सभी केंद्रों पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। बता दें कि जिले में कुल 2480 मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारी 18 बूथों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वे सभी लोग अपनी सामग्री ले लिए हैं और अभी रवानगी की स्थिति में हैं और आज शाम तक पहुंच करके वहां पर ये लोग अपनी सब तैयारी कर लेंगे। कल प्रातः 8 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में मतदान होगा। अभी दो सशस्त्र पुलिस बल जो है हमारी पोलिंग पार्टियों के साथ में जा रही हैं, साथ ही साथ जो CAPF है और स्टेट आर्म फोर्सेज हैं वो बूथ पर उपलब्ध रहेंगी। संबंधित थाने के फोर्सेज को चेंज किया गया है, जैसा कि जो एडिशनल SP साहब द्वारा बताया गया है, आवश्यकता अनुसार उनको चेंजिंग भी किया गया है। जहां पर अधिक आवश्यकता है वहां पर अधिक फोर्सेज लगाएं, जहां पर अगर कम है तो वहां पर कम फोर्स लगाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कल एक बड़ी बीमारी के रूप में गाजीपुर के 7 और जगहों पर फैला हुआ है। वहीं सोलर गैंग के लोग पैसा लेकर छात्रों को नकल कराई। ऐसे में वाराणसी STF की टीम ने सौदपुर कोतवाली के धुरवाजुन गांव के केदार इंटर कॉलेज में छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में STF ने 5 नाबालिग और 1 नाबालिग रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलिया पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में बलिया में लगातार 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। पत्रकारों के साथ साथ पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सहित समाजवादी पार्टी, CPM, माले अधिवक्ता, व्यापारी मंडल, रसोईया संघ सहित सैकड़ों सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। क्या इस विरोध प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने संबोधन में कहा है कि जिला प्रशासन नहीं चेता तो वह अपने 5000 साथियों के साथ गिरफ्तारी देने की बात कही। साथ ही चेताया कि जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। करते हैं, इसलिए मैं तो सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई में, एक तरह से बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है जहां पर केवल पत्रकार ही शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है जहां स्वाभिमान को ही गिरवी बना करके
पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहाँ का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबों को सद्बुद्धि दे, जो भी प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। यदि तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ, तुम्हारे पत्रकार किसी मित्र के साथ इस तरह की बात हुई होती तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, ये अधिकारी है कि धिक्कारी है, ये स्वयं उसका निर्णय स्वयं वो कर सकता है। मैं तो समझ रहा हूँ कि धिक्कारी है, अधिकारी नहीं हो सकता है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जेके पनीर भंडार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां कुछ सामानों के बिल भी बरामद नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक्शन लेते हुए लगभग 1000 किलो पनीर, 100 किलो खोया, पैक्ड घी और दूध के बने सामान के सैंपल को इकट्ठा किया। टीम ने सैंपल को जाँच के लिए भेज दिया है। साथ ही जानकारी दी गई है कि जाँच रिपोर्ट में जो भी कमी मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने सीएम फ्लाइंग के साथ में सैंपल भरने की कार्रवाई करी है और लगभग 1000 किलो के आसपास पनीर मिला है, 100 किलो के आसपास खोआ है और बाकी जो पैकेट घी के आइटम हैं, मिल्क फूड रिच देसी घी के नाम से, तो इनकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। कहाँ से आया था ये पनीर और कैसे यहाँ पर बेचा जा रहा? अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इसके बारे में पता पूछताछ चल रही है। बिल है नहीं इसके पास, तो अभी तो ये बताना ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बिल होता तो उसमें सब कुछ डिटेल होती, तो अभी इसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं कि ये पनीर कहाँ से आया। खबर गोरखपुर से, जहां के भोपा बाजार में उपद्रव की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, उपद्रवियों ने अनावश्यक रूप से चौरी चौरा के बाजार में रोड जाम करने प्रदर्शन किया और शासन और प्रशासन के ऊपर ईंट पत्थर भी चलाए, जिसकी वजह से सार्वजनिक संपत्ति और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहीद धनंजय कुमार के शव के संदर्भ में जो चौरी चौरा में उपद्रव हुआ था, उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम विकास यादव, पप्पू कुमार और सुधाकर यादव हैं। ये तीनों ही उपद्रव में शामिल रहे थे। इनकी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से मिलान कर ली गई है। इनको जेल भेजा जा रहा है गिरफ्तार करने का। अब 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं कुल, और करीब अभी जो चिन्हित हैं हमारे, उनमें से करीब 50 लोग बाकी। उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बड़ी लापरवाही से सैकड़ों उपभोक्ताओं को चूना लगा है। हर महीने उपभोक्ता सर्विस चार्ज देने के बावजूद भी सुविधा नहीं पा रहे हैं और बांस बल्लियों के सहारे बिजली के तार टांगे गए हैं। बता दें, उपभोक्ता कई बार बिजली विभाग को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं पर मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बड़ी लापरवाही, आपको बताते चले, जरौली फेस 2 के पास जो बना हुआ है गांव, उसमें जो है जितने भी प्लाटिंग एरिया बने हुए, आवासीय योजना जितने भी बने हुए हैं, उसमें केवल बल्लियों के सारे जो हैं सारे तार चले आ रहे हैं। यहां पे लगभग सैकड़ों लोगों का निवास है और सबके पास बिजली के कनेक्शन भी हैं। और बताते चले आपको कि जो कनेक्शन हुए हैं, कनेक्शन में जो उपभोक्ता है वो यूजर चार्ज, सर्विस चार्ज और मंथली के चार्ज जो हैं, सारे चार्ज उत्तर प्रदेश सरकार को देने के बावजूद भी उनको सुविधा के नाम पर बड़े जीरो हैं और केसा की बड़ी लापरवाही। इन लोगों का कहना है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि मैंने कई बार प्रार्थना पत्र विभाग को दिया, उसके बाद कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई है। और मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पे कि बरसात के समय जो है यहाँ पे जो जानवर जो हैं, जानवरों की बार मौत हो चुकी है, जिसकी सूचना भी दी जाती थी, पर लोग यहाँ पे आते नहीं थे। और सर्विस के नाम पर केसा विभाग जो है कभी यहाँ आता है, कोई अगर फॉल्ट भी होती है तो पहले पैसा, उसके बाद बिजली कनेक्शन। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए राजस्व गांव में व्यक्तिगत शौचालय प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ठेके पर बनवाए गए हैं, जो बनने के बाद से ही उपयोग में नहीं आ रहे हैं। इस समस्या को लेकर वीडियो पंचायत खुनियाब जितेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई के लिए उच्च जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। विनोद कुमार गौड़, गांव कौन सा? यहाँ चौराहा। ग्राम पंचायत? रुदौलिया बुजुर्ग। ब्लॉक? खुनियाव। तो ये जो शौचालय आपको मिला है, ये आप स्वयं बनवाए हैं? कैसे बना है? ये तो वही मोदी जी भेजे रहे, हुई स्कीम जो चला था। तो पैसा आपको मिला था, आप अपने बनवाए हैं? पैसा नहीं मिला, वो तो प्रधान अपने द्वारा बनवाए थे ठेकेदार से। सर, खुनियाव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रुदौलिया का एक राजस्व गाँव है हथियामा, वहाँ पर जो लाभार्थियों को शौचालय दिया गया है, वहाँ लाभार्थी परिवारों ने बताया है कि ठेके पर बनवाया गया, पहला चीज़। और दूसरा, जो शौचालय बने हैं ठेके पर, लगभग वो इस्तेमाल होते ही नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं उसकी जांच करके जो है उस पर लाभार्थियों को भी दिशा निर्देश देंगे प्रयोग करने के लिए। और अगर जो शौचालय नहीं बने हैं और धनराशि जो है ग्राम पंचायतों के खाते से आहरित की गई हैं ना बनने के कारण, उनके उन पर कार्रवाई भी करेंगे और रिकवरी भी करवाएंगे। तो क्या सर, जांच अभियान भी आपके द्वारा चलाया जाता है, कैसे क्या ग्राम पंचायतों से? जांच के अभियान जांच चलाई जाती है, और जांच के दौरान जो इधर फेज टू के शौचालय गए हैं, इसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये शौचालय बनाए जा रहे हैं जो लाभार्थियों के खाते में जा रही है, पूर्व के शौचालय बनाए गए थे, जो पूर्व के शौचालय में इसके लिए जिनके नहीं बने हैं उनकी सूची निकलवाई जाएगी, कितने लोगों को मिला था और कितने लोगों के नाम, कितने लोगों की सूची में नाम था और कितने लोगों के शौचालय बनवाए गए और कितनी धनराशि आई थी, इसका हम जांच करके इस जांच की प्रक्रिया में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी रिकवरी करवाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खबर औरैया से, जो नवीन गल्ला मंडी स्थल के सामने तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में टकरा गई। इस टक्कर में बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर मौके से ट्रक ड्राइवर और हेल्पर फरार हो गए। हमारी यहाँ पर नर्सरी में अंगद सिंह मेरा नाम है, तो हम गेट के पास खड़े थे, गाड़ी उधर से आई, सीधे खड़े ट्रक में टक्कर मार ली, झाड़ की आवाज़ हुई तो हम सब लोग देखने लगे और दौड़ के इनको निकाला कि मोटरसाइकिल में लड़का फटा हुआ था, लेडीज दूसरे तरफ पड़ी हुई थी। खबर कानपुर से है, जो बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 50 लाख के जेवर गायब होने का मामला सामने आया है। बता दें, फूलबाग में स्थित बैंक की शाखा में जब महिला पहुंची तो देखा लॉकर खाली था। उसके बाद महिला ने FIR की। वहीं मौके पर पहुंची SIT की टीम जांच में लगी और जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। देखिए, ये थाना फीलखाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया जो फूलबाग ब्रांच है, वहाँ का एक प्रकरण, एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें एक आवेदिका हैं देवी गोस्वामी करके, उनके बैंक के जो लॉकर उनका जो था, वो लगभग उन्होंने भी बताया कि 2 साल बाद उन्होंने उसको खोला था, और जब वो खोलने गई तो वो चाबी लगाई रही थी, तो उनका जो लॉकर था वो खुला पाया गया। हम लोग मौके पर भी गए थे, वहाँ पर उसके लॉकर को भी देखा गया, जो उनके बेटे थे वो भी साथ में थे। उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसको हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है और उस पर हम लोग FIR पंजीकृत करा के, देखिए जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिख के दिया है वो 40 से 50 लाख की वैल्यू उन्होंने दी है, तो हम लोग इसमें FIR पंजीकृत कर रहे हैं। और इस मैं बता दूं कि थाना फिलखाना में पहले से एक SIT जो लॉकर्स में, लॉकर्स वाले मामले में जो चल रही है, उसी में इसको भी इंक्लूड करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई करी जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। खबर कानपुर से है, जहां के जाजमऊ के हिंदुस्तान कंपाउंड के बगल में रखे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मौजूद लोगों ने बालू, मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने से ट्रांसफार्मर के बगल में बनी झोपड़ी भी चपेट में आ गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।